हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल जॉयस लुगु। सो गाइस, कैसे हो आप सब? सो आज मैं अगेन एक पार्टी मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। सो सबसे पहले ये बताओ कि किस किस को ब्लैक कलर पसंद है। तो ब्लैक कलर वन ऑफ माय फेवरेट कलर, मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ ब्लैक कलर की कोई भी आउटफिट पहनना। सो आज मैं ब्लैक साड़ी के साथ आपके साथ मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। कोई भी पार्टी फंक्शंस के लिए बहुत ही परफेक्ट है। अगर आप ब्लैक कलर की साड़ी वेयर करते हो या फिर ब्लैक कलर के आउटफिट पहनना पसंद करते हो तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इवन आप इस लुक को न्यू ईयर पार्टी के लिए भी कैरी कर सकते हो। सो होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। सो अगर आप जाने के लिए इंटरेस्टेड हो इस लुक को मैंने कैसे अचीव कर रही हूँ, देन प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर पसंद है तो लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट करके बताना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना। सो चलो ज़्यादा बातें ना करके वीडियो को स्टार्ट कर। सो इस लुक को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं ऑफ कैमरा अपनी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट कर लिया है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही हूँ। एंड यहाँ पे मैं मॉइस्चराइजर के लिए गुड वाइब्स का रोजी फेस क्रीम ले रही हूँ। तो अभी विंटर का सीजन है तो आपको बहुत ही अच्छा एक मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। मॉइस्चराइजर अप्लाई करते तो ही मेकअप लुक ज़्यादा देर तक टिका रहता है, मेकअप फ्लॉलेस दिखता है। तो इस स्टेप को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जो मॉइस्चराइजर अच्छे से मैंने अप्लाई कर लिया है, उसके बाद आईब्राउज़ को फिल एंड ड्रा कर लूँगी। तो यहाँ पे आप अपने मनपसंद प्रोडक्ट्स आईब्राउज़ को फिल कर सकते हो। तो अच्छे से मैं फिल कर लूँगी। यहाँ पे मैं पाउडरी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो कोई भी पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैं काम कर लिया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे फाउंडेशन के लिए लैक्मे 925 का फाउंडेशन ले रही हूँ इन दी शेड N200 न्यूट्रल न्यूड। एंड ये वाली फाउंडेशन के साथ मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का हाइलाइटिंग प्राइमर मिक्स किया है। और आज का बेस मेकअप ना थोड़ा सा ब्राइटन होने वाली है एंड थोड़ा सा यू नो फेयर टोन में होने वाली है, क्योंकि ब्लैक साड़ी के साथ ना अगर आप अपने बेस को थोड़ा सा ब्राइटन रखते हो तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है, अट्रैक्टिव दिखता है। तो इसीलिए मैं आज का जो बेस मेकअप है थोड़ा सा फेयर टोन में कर रही हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा फेयर टोन में नहीं, जस्ट ब्राइट करने की कोशिश कर रही हूँ। इसलिए मैं यहाँ पे ये वाली हाइलाइटिंग प्राइमर यूज़ किया है। आप चाहो तो इसके साथ आप कोई भी इल्यूमिनेटर भी ऐड कर सकते हो जिसमें आपको ब्राइट प्रोवाइड होगा। तो इस तरीके से मैं मिक्स करने के बाद पूरे फेस पर एक ब्रश के हेल्प से अप्लाई कर ले रही हूँ सबसे पहले। एंड पहले आपको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फेयर टोन में दिख सकता है, लेकिन ये जब तक मैं फुल मेकअप करूँगी ना तो ये बिल्कुल अपने फेस पर बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। तो आप देख पाओगे उस टाइम पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं हाइलाइटिंग प्राइमर ऐड किया है जिसके लिए हमारा जो बेस है तो वो बहुत ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा ऑक्सीडाइज होता है इसीलिए बाद में ये थोड़ा सा ऑक्सीडाइज होगा। एंड इस तरीके से मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ एक ब्यूटी ब्लेंडर से। नेक्स्ट मैं यहाँ पे कंसीलर के लिए ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर इन दी शेड 04। एंड ये वाली कंसीलर अफोर्डेबल प्राइस के साथ साथ बहुत ही अच्छा कंसीलर है। आप किसी भी तरीके का मेकअप कर रहे हो उसके साथ आप इस कंसीलर को यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा कवरेज है इसका। तो इस तरीके से मैं आई लिड पर अप्लाई किया एंड अंडर आई पे, फॉरहेड पे, नोज़ पे एंड माउथ के अराउंड चिन पे अप्लाई करूँगी। इस तरीके से अप्लाई करने के बाद मैं अगेन ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी। आप देख सकते हैं इसी से ही मेरा जो डार्क सर्कल वगैरह है, पिगमेंटेशन वगैरह सब कुछ हाइड हो जाएगा, क्योंकि ये वाली कंसीलर ही बहुत अच्छा है जिसके लिए आपको अलग से कलर करेक्टर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिया एंड फेस थोड़ा सा ज़्यादा वाइट दिख रहा है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया बाद में ये ठीक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी का कंटूर स्टिक ले रही हूँ इन दी शेड 06। तो ये वाली कंटूर स्टिक अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, आप ट्राई कर सकते हो, बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से एक कंटूर ब्रश के हेल्प से मैं यहाँ पे कंटूर यूज़ कर रही हूँ जहाँ जहाँ पर हमारा कंटूरिंग प्लेस है। तो इस तरीके से नोश को भी मैं इसी ब्रश के हेल्प से नोश पर भी अप्लाई कर लूँगी कंटूर को। एंड अप्लाई करने के बाद यहाँ पे एक ब्यूटी ब्लेंडर से मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और गाइस, इस लुक का ट्रांजिशन वीडियो एक मैंने शूट किया था तो मैं उस वीडियो को अपलोड कर दिया है। आप अगर इंटरेस्टेड हो आप चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल पर जाके। बहुत मुझे पसंद आया था ये वाली लुक, तो मैंने उसके साथ एक ट्रांजिशन लुक क्रिएट किया था।
तो देखो यहाँ पे मैं बात करते करते कंटूर भी ब्लेंड कर लिया है अच्छे से। उसके बाद स्विस ब्यूटी का ये वाली लिप कलर मैंने ले लिया है, ये पिंक काइंड ऑफ शेड है। इसको ही मैं एज ए ब्लाशर अप्लाई कर रही हूँ एंड सच बता रही हूँ, उस तरीके का जो स्टिक आता है ना लिपस्टिक, इससे आप बहुत अच्छे से ब्लाश अप्लाई कर सकते हो। ब्लाशर से भी ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा अप्लाई करने के बाद, आप देख ही सकते हो कितना नेचुरल ग्लो होता है ना, नेचुरल ब्लाश अप्लाई हो जाता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। कभी कभी मैं इस लिपस्टिक को इस तरीके से एज ए ब्लाशर अप्लाई करती हूँ, तो आज भी मैंने उसी को अप्लाई किया। उसके बाद मैं लैक्मे का लूज़ पाउडर से अच्छे से मैं अपने बेस को सेट कर ले रही हूँ एंड मेरा जो कॉम्पैक्ट पाउडर है ना, दो कॉम्पैक्ट पाउडर तो तोड़ दिया है मेरी बेटी ने और मुझे अभी लेना पड़ेगा, इसीलिए मैं लूज़ पाउडर अप्लाई कर रही हूँ। आपके पास अगर कॉम्पैक्ट पाउडर है तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर से भी सेट कर सकते हो। तो बहुत ही हल्का सा लूज़ पाउडर से मैंने सेट किया है बस फेस मेकअप को। अभी विंटर का सीज़न है तो लूज़ पाउडर से ज़्यादा आप कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई कर सकते हो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो। मेरा भी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, फिर भी मैंने लूज़ पाउडर से सेट किया। उसके बाद आई मेकअप के लिए मैं यहाँ पे हैटेड विद लव का ये वाले आई शेडो पैलेट में जो ब्लैक शेड है इसको लेकर के मैं यहाँ पे ना क्रीज लाइन पे एक स्मॉल पॉइंटेड ब्रश के हेल्प से क्रीज लाइन पे यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ एंड आउटर कॉर्नर पे लेके एग्जैक्ट क्रीज पे मैं इस तरीके से पॉइंटेड कर रही हूँ। एंड यहाँ पे बहुत ध्यान से आपको अप्लाई करना है, जो ब्लैक शेड्स होते हैं ना वो बहुत जल्दी फैल जाता है, आप अगर ब्लैक शेड को ध्यान से नहीं अप्लाई करोगे तो आपका जो आई मेकअप है वो ना पांडा जैसा दिखेगा। तो आप ये ब्लैक शेड जब अप्लाई करते हो ना तो थोड़ा सा ध्यान से आपको अप्लाई करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं क्रीज लाइन पे एग्जैक्ट क्रीज लाइन पे अप्लाई किया एंड आउटर वी पे अप्लाई करने के बाद इनर कॉर्नर तक मैंने थोड़ा सा ब्लेंड किया है एंड सेम शेड को मैं लोअर लैश लाइन पे भी ब्लेंड कर रही हूँ यहाँ पे। और उसके बाद मैं यहाँ पे ये वाली जो ब्राउन शेड है ना, ये लाइट ब्राउन शेड है, इसको लेकर के क्रीज से ऊपर ब्लैक शेड्स के साथ मैं ब्लेंड करूँगी क्रीज लाइन से ऊपर, ठीक है। तो क्रीज लाइन पे एग्जैक्ट क्रीज पे आपको नहीं ब्लेंड करना है, बस जो ब्लैक कलर के एजेस है इसको मैं क्रीज लाइन से ऊपर अच्छे से उसके साथ ब्राउन शेड को ब्लेंड कर दूंगी। उसके बाद मैं सेम कंसीलर को मिडिल पे प्लेस किया कट क्रीज ड्रा करने के लिए एंड यहाँ पे मैं हाफ कट क्रीज ड्रा कर रही हूँ। और आपको बहुत धीरे धीरे से कट क्रीज ड्रा करना है, अब जल्दबाजी मत कीजिएगा, धीरे धीरे आराम से आपको कट क्रीज ड्रा कर लेना है। उसके बाद ये वाली जो पता नहीं दिख रहा है यहाँ पे, उसके बाद ये वाली जो वाइट शिमरी शेड है ना इसको मैंने अप्लाई किया है, क्योंकि जो ब्लैक एंड वाइट शिमरी शेड है ना तो इसी पैलेट में है, बाकी पैलेट में नहीं है। तो मैं इस तरीके का एक आई मेकअप करने के लिए सोच रही थी तो मैंने इसी से ही जो वाइट शिमरी शेड है उसको अप्लाई किया है जहाँ पे मैंने हाफ कट क्रीज ड्रा किया था वहाँ तक। उसके बाद जो आउटर वी पे एजेस है उसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लिया है ब्लैक शेड्स के साथ। नेक्स्ट मैं यहाँ पे आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ एंड लाइनर के लिए यहाँ पे लैक्मे का इंस्टा लाइनर मैं ले रही हूँ। आप कोई भी आईलाइनर अप्लाई कर सकते हो जो कि वाटर प्रूफ हो एंड इस तरीके से मैं एक लाइंस ड्रा कर रही हूँ थोड़ा सा विंग्स के साथ एंड उसके बाद लोअर लैश लाइन पे लाइटर ब्राउन शेड को लेकर थोड़ा सा स्मार्च किया है एंड उसके बाद काजल के लिए एनोवे का ये वाली काजल मैंने अप्लाई किया है। काजल आउटर कॉर्नर से लेकर हाफ लिड तक मैंने अप्लाई किया है लोअर लैश लाइन पे। और उसके बाद मस्कारा के लिए ब्लू हेवन का मस्कारा ले लिया है, मस्कारा का 2 से 3 कोट मैंने अप्लाई किया है क्योंकि ये वाली मस्कारा बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है, बहुत ही लो प्राइस का है। तो इस तरीके से 2 से 3 कोट मैंने अप्लाई करने के बाद यहाँ पे स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर से अपने मेकअप को बहुत अच्छे से फिक्स एंड लॉक कर लिया है। उसके बाद ये वाली लिप कलर मैंने अप्लाई किया है, ये SH हुदा का लिप कलर है एंड इस लिप कलर में कोई भी शेड्स नंबर नहीं दिया हुआ है, इसीलिए मैं इसका शेड नहीं जानती हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा न्यूड शेड में ही है बट बहुत ही प्यारा सा शेड आप देख ही सकते हो। एंड उसके बाद मार्स का फेस पैलेट में से जो हाइलाइटर शेड था, एक्चुअली यहाँ पे 2 हाइलाइटर शेड था, तो इसमें से जो एक शैम्पेन काइंड ऑफ शेड है इसको लेकर के मैंने एज ए हाइलाइटर अप्लाई किया है क्योंकि इस पैलेट का हाइलाइटर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, बहुत ही नेचुरल फिनिश देता है गाइस। तो हाइलाइटर को जहाँ जहाँ पे हमारा हाइलाइटेड पॉइंट है वहाँ पे मैंने अप्लाई कर लिया है, ऑल्सो ब्राउ बोन पे हाइलाइटर अप्लाई किया एंड पिंकी फिंगर से मैं इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर दिया। सो ये
था आज का फाइनल लुक। होप कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी एंड पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है ये वाली लुक। एंड आई मेकअप आप देख ही सकते हो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। सो अगर आपकी ये लुक थोड़ा सा भी पसंद आए, वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, दैन प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर ऐसे ही खूबसूरत मेकअप लुक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।